खड़ा कर दिया है। अभी टेस्टिंग वगैरह बोल रहे हैं कि आज शाम तक रात तक टेस्टिंग इसकी हो जाएगी। डीजे चौधरी और भाई क्या मतलब पूरा ट्रस्ट देखो क्या बना रखा है खतरनाक। तो भाई ये देखो कितनी नीचे करके मतलब बेस लगा रखी है, पूरा खतरनाक सेटअप लग रहा है। सैंकी भाई का एक डायलॉग भी वायरल हो गया था भाई, दो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ उससे कहता हूं हमजा का पिलाओ कोल्ड ड्रिंक। इन्होंने देखो पहिए वगैरह लगाकर जुगाड़ कर रखा भाई, खतरनाक सेटअप बांध रखा और उधर भी पहिए लगाकर और देख सकते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, मेरा नाम तुषार और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आरके डीजे तूफान। दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेटअप मतलब कितना कंप्लीट हो चुके हैं और कहाँ खड़े हैं अभी, क्या मतलब अपडेट है प्रेजेंट की क्या चल रहा है। तो अभी सामने देख सकते हो आप लोग डीजे कसाना और भाई मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से डीजे कसाना तैयार हो रहा है और सामने इनकी लाइटिंग वगैरह अब निकल रही है जो लाइटिंग लगेगी और ये सेटअप इनका कुछ ऐसा लुक आया है। और अभी इन्होंने तिरपाल ढक रखा क्योंकि सुबह से जो है बारिश पड़ रही थी भाई, 6 बजे से कंटिन्यू बारिश पड़ रही है, अभी जाके थोड़ा बंद हुआ है तो काम वगैरह चालू कर दिया है। और उधर इनकी दूसरी टाटा में से अभी तक माल निकल रहा है। तो भाई ये देखो कितनी नीचे करके मतलब बेस लगा रखी है, पूरा खतरनाक सेटअप लग रहा है। और देखो ये टाटा इनकी अभी भी इसमें से माल उतर रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भाई माल लगा रहे हैं। सामने हमें भैया लेते हैं बाकी देखो सबसे मतलब सारे जो डीजे मिल जाएंगे आप लोगों को ट्रोले वो मिल जाएंगे टोल टैक्स पर, जो भादराबाद टोल टैक्स है वहाँ पर सारे ट्रोले खड़े हुए मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे अलग बंदा है वो ही बंदा है भाई कसाना डीजे भाई, सबसे आगे मतलब हमें ढूंढते ढूंढते थे टाइम हो गया, लगभग टोल टैक्स से 10 किलोमीटर आगे जाके ये सेटअप बंदा हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं डीजे कसाना के बाद डीजे सार्जन प्रोडक्शन पर जो कि झारखंड से आए हुए हैं। देखो इन्होंने कल रात पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट करने के बाद इस पर तिरपाल वगैरह लगाकर खड़ा कर दिया है। अभी टेस्टिंग वगैरह बोल रहे हैं कि आज शाम तक रात तक टेस्टिंग इसकी हो जाएगी, अगर टेस्टिंग होती है तो चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और बाकी ये देखो यहाँ पर पूरा मतलब इन्होंने कंप्लीट करके बांध दिया है सेटअप और ये बारिश पड़ रही थी, बारिश की वजह से तिरपाल वगैरह ढका हुआ है। अब जब टेस्टिंग होगी तभी इसका तिरपाल वगैरह हटेगा। मतलब सबसे पहले डीजे सार्जन ने अपना पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया है और वहाँ पर ऊपर एम्प वगैरह सब कुछ मतलब पूरा प्रॉपर सेटअप कर दिया है। बाकी अभी इसके अंदर 30 बेस लगी हुई हैं और यहाँ से कुछ देख सकते हो भाई बेल्ट ही बेल्ट लगा रखी है पूरी। हाँ भाई प्रशांत भाई टेस्टिंग कब हो रही है इसकी? टेस्टिंग भैया ऐसा लग रहा है कि आज शाम तक इसकी टेस्टिंग होने वाली है। हाँ क्योंकि पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया, सेटअप इनका रेडी हो चुका है, लगता है आज शाम को ये टेस्टिंग देने वाली है और टेस्टिंग देखते हैं कैसे रहने वाली है, बने रहे आप। बाकी टेस्टिंग आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में मिलने वाली है सबसे पहले तो। और हरिद्वार में सबसे पहला सेटअप जो कंप्लीट हुआ है वो डीजे सार्जन का ही हुआ है भाई, उसके बाद सबसे जोर शोर पर जो तैयारी चल रही है वो डीजे कसाना की चल रही है और ये काफी तगड़ा सेटअप इन्होंने लगा दिया है। 30 बेस के अंदर लगी हुई है, इसके अंदर लगी हुई है। और बाकी जैसा सुनने में आ रहा है सार्जन में जैसे बात हुई है तो बोल रहे हैं कि 30 बेस के बाद और भी लग सकती है, लेकिन अभी देखते हैं 30 बेस की टेस्टिंग शाम तक शायद हो जाएगी जैसा ये लोग बता रहे हैं। दोस्तों डीजे सार्जन देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं डीजे थाना भवन जो कि शामली से है, सॉरी डीजे बाबा फ्रॉम थाना भवन शामली। और बाकी देख सकते हो कुछ ऐसा सेटअप इन्होंने अभी तक बांध दिया है और इसमें बेस वगैरह का तो भाई देख नहीं रहा है कितनी बेस लगी हुई है, बाकी आप लोग देख सकते हो वीडियो में कुछ ऐसा सेटअप लगा दिया है। अगर बारिश नहीं होती तो अभी आधे से ज़्यादा सेटअप कंप्लीट कर दिया होता सबने, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कंटिन्यू 6 बजे से बारिश पड़ रही थी और अभी जाके यहाँ पर बारिश बंद हुई है। बाकी फिर भी इन्होंने काफ़ी मतलब ज़्यादा सेटअप कंप्लीट कर लिया है अपना और यहाँ से देख सकते हो ये कैनोपी वगैरह रखी है और अंदर से कुछ ऐसा सेटअप है, साइड में भी बेसे लगा रखी है। बाकी अब टेस्टिंग होगी तभी पता चलेगा भाई कौन सा कैसा सेटअप पड़ रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी इसके आगे वहाँ खड़ा है डीजे चौधरी, फिर उसके आगे खड़ा है सॉरी यहाँ पर खड़ा मोनू, उसके आगे डीजे चौधरी, उसके आगे खड़ा न्यू अमर और बाकी सारे डीजे सब आगे पीछे ऐसे ही खड़े हैं। बाकी अभी चलते हैं और आप लोगों ने ये देख लिया डीजे बाबा थाना भवन, बाकी मतलब ट्रैक्टर पर भी इन्होंने बेस वगैरह लगा दिए हैं, आई थिंक 5 या 6 बेस इस पर लगी हुई हैं, नीचे 3 होंगी तो ऊपर 2 बीच में स्पेस देने के लिए देकर, तो 6 बेस लगा दिए हैं, सॉरी 5 बेस लगा दिए इस पर।
और ये शायद जनरेटर वगैरह है, पता नहीं क्या है। बाकी बहुत जल्द इन सेटअप की साउंड टेस्टिंग होने वाली है और साउंड टेस्टिंग की वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल मिल जाएगी सबसे पहले। तो अभी चलते हैं डीजे मोनू या डीजे चौधरी जो भी मिलता है आगे, उसकी वीडियो देखेंगे कितना सेटअप हुआ है। और ये जो डीजे खड़ा है, डीजे थाना भवन और डीजे मोनू, डीजे न्यू अमर, डीजे चौधरी, सब आप लोगों को भाद्रवाड़ टोल टैक्स पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग आना चाहते हो तो भाद्रवाड़ टोल टैक्स पर आ जाना, बाकी सारे सेटअप यहीं खड़े हुए मिल जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि बाबा डीजे थाना भवन, और बाबा डीजे थाना भवन के बाद हम लोग आ चुके हैं डीजे मोनू फ्रॉम मेरठ। भाई नाम ही डीजे है, नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सामने देख सकते हो टाटा खड़ी है, डीजे मोनू मेरठ। और कुछ इतना इन्होंने कंप्लीट कर दिया सेटअप, बाकी फोर साइड वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि बारिश, सबसे पहले बारिश का ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पर कुछ ये दो बेस इन्होंने रखी हुई हैं, और ये टाटा खड़ी है सामने, और अभी सामने से जो है ढका हुआ है क्योंकि बारिश पड़ रही थी, तो बारिश की वजह से सब इन्होंने ढका हुआ है। यहाँ पर जनरेटर वगैरह, और यहाँ पर अपने सैंकी भाई का एक डायलॉग भी वायरल हो गया था, भाई दो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ उससे कह दो हमजा का पिलाओ कोल्ड ड्रिंक। बाकी सैंकी भाई अभी कितना सामान लग गया है इसमें? 30 बेस लग गई है। अच्छा 30 बेस लग गई, 14 लाइनें लग गई है। और बारिश ना पड़ती तो अब तक आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाता सुबह से, हो जाता जाता। हाँ बाकी कब तक रेडी हो जाएगा सेटअप? कल तक कर देंगे, जो भी जितना लगेगा कर देंगे। चलो बाकी आप लोगों को अगर डीजे मोनू मेरठ देखना है तो आप लोग आ सकते हो भाद्रवाड़ टोल टैक्स पर, और सामने हयात प्लेस के सामने बिल्कुल जस्ट सामने खड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये देख सकते हो, और अभी चलते हैं आगे डीजे चौधरी पर। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा था डीजे मोनू, और अभी हम लोग आ चुके हैं डीजे चौधरी। और भाई क्या मतलब पूरा ट्रस्ट देखो क्या बना रखा, खतरनाक सेटअप बना रखा है। और लुकिंग जो है, लुकिंग वाइज बहुत प्यारा लग रहा सेटअप भाई, डीजे चौधरी प्रतापपुर। और ये माइंड ब्लोइंग आदित्य है, क्या हाल है आदित्य भाई? बढ़िया है। कहाँ जल्दी है? बढ़िया भाई, चलना है, जा रहे हैं थोड़ा सा। चलो होगा, आ रहे हैं चलो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग डीजे चौधरी, और कुछ ऐसा लगाया बेसे यहाँ पर, 1 2 3 लगभग 30-40 बेस इन्होंने लगा दिए हैं, और आगे ट्रस लग रही है और लाइनर वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं, और काफी तेजी से इनका जो है काम चल रहा है भाई, सेटअप वगैरह बांधने का। मतलब ट्रस वगैरह बहुत प्यारी लगाई है देखो, दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं डीजे न्यू अमर पर, और बाकी देख सकते हो कुछ ऐसा इन्होंने सेटअप रेडी कर दिया है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस समथिंग लगा दिए इन्होंने, और अभी भी काम चालू कर दिया है पूरा, मतलब ट्रस वगैरह लग रही है देख सकते हो आप लोग। डीजे न्यू अमर साउंड मेरठ भाई, ये है इटली एक्सपो। तो भाई टोटल RCF लगा रखी है, RCF बेस, और जैसा चिंटू भाई ने बोला था इटली एक्सपो दिखाएंगे। ये अभी भी ट्रस वगैरह उतर रही है। साउंड देखना है तो भाई टोल टैक्स से सीधा आ जाओ रुड़की वाले रोड पर, और टोल टैक्स से जस्ट थोड़ी सी आगे आप लोगों को मिल जाएगा राधा स्वामी डीजे, पीछे खड़ा है राधा स्वामी डीजे, और उसके आगे खड़ा है न्यू अमर साउंड। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ खड़ा न्यू अमर, और उसके पीछे जस्ट पीछे खड़ा है राधा स्वामी साउंड, डीजे राधा स्वामी मेरठ। माल देख सकते हो राधा स्वामी कितनी ज़्यादा, मतलब क्वान्टिटी में माल इनके पास है अभी भी, और भी बेसे अभी तक मतलब काफ़ी ज़्यादा बेसे इन्होंने चढ़ा दिए ऊपर। बाकी कुछ ऐसा सेटअप इनका बन चुका है, और अभी भी इस पर मतलब लगी रही हैं बेसे, समथिंग 20-30 बेस इस पर लगा दिए इन्होंने। ये खड़ा है डीजे देव गुजा, जिसने मतलब एक यूनिक ही सेटअप बांधा है इन्होंने बिल्कुल भाई, हाथों हाथ वेल्डिंग चल रहा है यहाँ पर, ट्रस वगैरह लग रही हैं, और ये पूरा फ्रेम बनाकर इधर इन्होंने सेटअप लगाया कैंटर पर। तो भाई कुछ ऐसा सेटअप लगाया देखो, मतलब बीच बीच का फ्रेम है ये जो कैंटर पर, साइड में इन्होंने देखो पहिए वगैरह लगाकर
जुगाड़ कर रखा भाई, खतरनाक सेटअप बांध रखा और उधर भी पहिए लगाकर। और देख सकते हो इसके ऊपर 30 से 40 बेसिस उन्होंने लगा दिए। डीजे देव गुजर धारीपुर, मतलब सबसे अलग ही यूनिक सेटअप बांधा है। बाकी जब साउंड टेस्टिंग होगी तभी पता चलेगा कि कैसी है साउंड, लेकिन लुकिंग वाइज तो काफ़ी ख़तरनाक सेटअप बांधा है और मतलब सबसे यूनिक ही बांधा है। अभी तक ऐसा सेटअप किसी का नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक और न्यू ट्रोला ऐड हुआ है, हैप्पी डीजे मुजफ्फरनगर, और देख सकते हो बाकी कुछ ऐसा सेटअप इन्होंने भाई लगा दिया है। और इनकी पार्टी वाले शायद से भाई सब्सक्राइबर अपने बाकी देख सकते हो कुछ ऐसा सेटअप इन्होंने लगा दिया है। और इसके पीछे जस्ट पीछे खड़ा है न्यू अमर, उसके पीछे खड़ा है राधा स्वामी, और राधा स्वामी के पीछे खड़ा है डीजे चौधरी। बाकी यही था आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी इनकी साउंड टेस्टिंग वीडियो आने वाली है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू।